बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम डी ए मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर 2-3-2-1-2 सॉल्व कर रहे थे, तो चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहे थे। ये क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है, तो इसमें हमें इसे सॉल्व करना है डिफरेंशिएट बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आपने कॉस 2x का डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, जैसे कहते हैं ए बी इनिशियल मेथड, या फिर कहते हैं बाई डेफिनेशन। तो बेसिकली हमने क्या किया, इसे हमने जो फंक्शन कॉस 2x से वाई के लिए पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें जो हमारे पास स्टेप नंबर 1 है, देखें स्टेप नंबर 1 में हमने y में डेल्टा y, x में डेल्टा x का स्मॉल चेंज, इसे कहते हैं इंक्रीमेंट लेके आना है। देखें y में डेल्टा रहेगा और x में डेल्टा x का इंक्रीमेंट लगाया है। तो स्टेप नंबर 2 हमारे पास है, आप ये करना है ये वाई का प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो स्टेप 2 में हमने y को बोथ साइड से ट्रैक करना है, वाई अगर प्लस है उन जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर हमारे पास y की जो वैल्यू इक्वल है cos 2x के इक्वल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y की जगह cos 2x आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास इसे करते हैं सिंपलीफाई, ये बन रहा है cos a माइनस cos b, ये cos का डिफरेंस बन रहा है, हम इसे चेंज करेंगे प्रोडक्ट में। तो cos a माइनस cos b इक्वल होता है माइनस 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। हमारे पास जो cos 2x प्लस डेल्टा x है, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास क्या है 2x b है। तो हम जब ये वाली वैल्यूज इस फॉर्म में पुट करेंगे तो माइनस 2x प्लस साइन ए इक्वल हमारे पास 2x प्लस डेल्टा x, ये आ गया प्लस b, तो b की वैल्यू 2x है, 2x होल डिवाइड बाई 2 है। इसी तरीके से साइन a माइनस b बाई 2, a माइनस बी ओवर 2 आ गया, ठीक है। तो उस अगले स्टेप में हमारे पास देखें 2x प्लस 2x, इन चीजों को जो हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा 4x और 2 डेल्टा x एज इट इज होल डिवाइड बाई 2 आ गया। यहाँ पे देखें तो ये 2x प्लस का है, ये माइनस का, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, यहाँ पर आ गया 2 डेल्टा x डिवाइड बाई 2 आ गया। इसे मजीद सिंपलीफाई कर दिया तो हमारे पास ये बन गया। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो एक तो आपने स्टेप नंबर 3 अप्लाई करना है, डेल्टा एक्स से बोथ से डिवाइड करना है, तब ये होता है डिवाइड करना है डेल्टा एक्स से। फिर उसके बाद आपने इसे भी मजीद सिंपलीफाई करना है, ये आप 2 इसका एलसीएम है, तो 4x और 2 और 2 डेल्टा एक्स और 2 इसको अलग अलग डिवाइड करना है दोनों टर्म में। तो यहाँ देखें 2 1 2 4, और यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास यहाँ आ गया माइनस 2 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स और साइन डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स आ गया। उससे अगले स्टेप में हमारे पास देखें हमने क्या किया, यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है ये ऊपर देखें सिंगल टर्म है, ये हमारे पास क्या है दो टर्म को वैसे प्रोडक्ट है लेकिन इसे सिंगल टर्म मानते हैं। तो आप इस पर डिवाइड करें, इस पर एक दफ़ा डिवाइड कर दें, तो हमने क्या किया डेल्टा एक्स को साइन डेल्टा एक्स ओवर पर डिवाइड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने डिवाइड किया, उसके बाद हमें क्या करना है लास्ट स्टेप करना है, लास्ट स्टेप में डेल्टा एक्स गोज़ टू 0 लिमिट अप्लाई करनी है बोथ साइड। तो इधर अप्लाई करेंगे डेल्टा वाई ऑफ डेल्टा एक्स तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, और इस तरफ भी इस टर्म पे अलग से और इस तरह से अप्लाई करते हैं लिमिट, ये बन जाएगा माइनस 2 कॉन्स्टेंट है मल्टीप्लाई है इसे लग करके लिमिट डेल्टा एक्स गोज़ टू 0 साइन 2x डेल्टा एक्स आ जाएगा। और यहाँ इसके लिमिट अलग से अप्लाई करते हैं तो ये देखा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अभी आपने यहाँ पे इसके ऊपर एक्सरसाइज 3.1.3 में कंप्यूज किया था, अगर हमारे पास लिमिट थीटा गोज़ टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल किसका होता है 1 के, मीन्स के लिमिट 0 को अप्रोच करें और ये साइन के जो एंगल आगे जो एंगल है और नीचे एंगल है आपस में इक्वल हो तो ऊपर किसका होता है 1 के, तो इसके लिए क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे। और यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स के इज इक्वल टू, ये देखें माइनस 2 एज इट इज साइन 2x और डेल्टा एक्स क्या है 0 0 पर कर दिया और यहाँ पर इसके इक्वल आ गया 1 के। तो जब इसे सॉल्व करेंगे 2x प्लस 0 2x होता है तो माइनस 2 साइन 2x प्लस 11, तो आंसर क्या आ गया माइनस साइन 2x। ये आपने क्या फाइंड कर दिया इसका डेरिवेटिव बाय यूजिंग ए बी इनिशियल मेथड और फर्स्ट प्रिंसिपल, जैसे कहते हैं बाय डेफिनेशन।